दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में। श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच बना ये नेशनल हाईवे, जिसकी टोटल लेंथ है 3,806 किलोमीटर और जो 7 डिफरेंट हाईवेज को कनेक्ट करने के बाद फॉर्म किया गया है। ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर में बने नेशनल हाईवे से, जो पहले NH1A के नाम से जाना जाता था। उसे कनेक्ट किया गया NH1 से, जो कि पंजाब हरियाणा से क्रॉस होता है। उसके बाद इसे कनेक्ट किया गया NH2 से, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होकर आगरा पर खत्म होता है। फिर आगे चलकर इसे कनेक्ट किया गया NH3 से, जो कि आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चलकर इसे कनेक्ट किया गया NH75 से, जो आगरा से ग्वालियर को कनेक्ट करता है। उसके बाद NH26, जो कि ग्वालियर को झांसी से कनेक्ट करता है। और उसके बाद लखनादौन, सियोनी, नागपुर, अदिलाबाद, हैदराबाद, अनंतपुरा, बेंगलुरु, नमक्कल और तिरुनवेली, इन सब सिटीज को कनेक्ट करता है NH7। और दोस्तों इन 7 हाईवे को जोड़कर बनता है हमारा NH44। दोस्तों ये हाईवे एक यूनियन टेरिटरी और 10 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें कि 627 का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है तमिलनाडु।